दोस्तों फाइनली यहां पे आप लोगों के सामने है वन प्लस का 12। ये स्मार्टफोन काफी दिलचस्प होने वाले हैं और सबसे लेटेस्ट और तगड़े परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च हैं। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट, जो सबसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन है मतलब चिपसेट है, वो इसमें इनबिल्ट करके आ रहे हैं। डिस्प्ले से शुरुआत करूँ तो 6.82 इंच का 2000 के का BOE X1 OLED मिलने की उम्मीद है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 2600 का निट्स ब्राइटनेस का सपोर्ट है। प्रोसेसर में जैसे मैंने पहले बता दिया कि सबसे तेज कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट पे है और ये 24GB तक रैम है और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज दे रखी है। कैमरे की फीचर्स की बात करें तो OIS का सपोर्ट है जो कि लाजिम है और 53MP का LYT और T808 सेंसर, 48MP का सोनी IMX581 अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ है। 64MP का 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस ओमिजन OV64B सेंसर लगाया जा रहा है। बैटरी यहां पे लंबी चलने वाली 5400mAh की बैटरी है, 5400mAh की बैटरी है और 100W का वाइड का चार्जिंग का सपोर्ट है और 50W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ब्लूटूथ वाईफाई डुअल सिम 5G जैसे फीचर्स मिल रहे हैं और 14 पर एंड्रॉयड है, ऑक्सीजन OS 14 पर बेस्ड होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरे का सैंपल सारी चीज़ें हैं जैसे कि नीचे कुछ हिस्से में ऑप्टिकल जूम क्वालिटी को देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहे हैं। शानदार कैमरे का भी अनुभव इसमें प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके जो ब्रांड हाल ही में एक फ़ोन को सोनी लीटिया प्राइमरी सेंसर लेंस मिलेगी, वहीं नए टीजर में फ़ोन का पेरिस्कोप जूम कैमरा भी सैंपल के तौर पे इन्होंने अपलोड किया है। हाई क्वालिटी ऑप्टिकल जूम 64MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, सारी चीज़ें यहाँ पे सामने है। तो ये जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले ये लॉन्च होगा चाइना में, इसके बाद ये इंडिया में कब कैसे लॉन्च होता है इसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में तक की थी। वीडियो अगर पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।